हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सभी छात्रों को इस वीडियो में सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो इस बार का मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इन चारों में से आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान फसल कौन है, भारत की प्रमुख खाद्यान फसल कौन है। तो दोस्तों क्या होगा, आपका आंसर होगा डी नंबर, धान होगा, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान फसल धान है, ठीक है, आंसर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी सभी छात्र जुड़ चुके हैं, केवल आप ही बाकी है। आप भी जाइए टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है, बोर्ड से संबंधित, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज 31 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, धान है, धान यानी कि चावल है, तो चावल क्या है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, या फिर जायद फसल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो हमारे आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर बता दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो धान दोस्तों क्या होता है, धान एक खरीफ फसल होता है, ठीक है। धान क्या होता है दोस्तों, एक खरीफ फसल होता है, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है। धान के सीजन में जो भी चीज़ें बोई जाती है उसको हम लोग खरीफ फसल के नाम से ही जानते हैं, और रबी फसल गेहूँ होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान यानी कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती पश्चिम बंगाल में की जाती है, तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग स्थापित करने वाले भौतिक कारक हैं, भौतिक कारक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, कच्चा माल हो जाएगा, डी नंबर कच्चा माल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस आंसर देना ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, आंसर देना लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो याद रखना, सबसे लंबा चौड़ा और अच्छा रोड किस कहाँ पर है, यानी कि सड़क कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र, जैसे पुणे हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर 1954 ईस्वी में आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 1954 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार की 80% आबादी निर्भर है। तो बिहार की 80% जो जनता है वो कृषि पर ही निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है, याद रखना। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, तो उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रैंड ट्रंक मार्ग, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, पटना जिला, ठीक है, याद रखना, जो बिहार राज्य के राजधानी भी है, ठीक है, जो बिहार राज्य के राजधानी भी है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तली पर उत्पन्न कंपन को किस नाम से जाना जाता है, महासागरीय तली पर उत्पन्न कंपन को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ का आना प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ का आना प्रमुख क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा, जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, यानी कि सभी कारण नदी में बाढ़ आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, इसका तो आंसर हर कोई बता सकता है, ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, इसका आंसर हर कोई बता सकता है, तो फटाक से कमेंट करके बता दीजिए तो इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, 33%, यानी कि 33% आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी, साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये नंबर को ध्यान से देखिए, तो यह विविधता को अपने में समेट लेती है, इसलिए यह मतलब कि सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर यह आधारित होती है, किस पर, धर्म पर, याद रखना ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा प्रमुख यही होगा आपका आंसर ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज संस्थाओं में, राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, कितने सीटें आरक्षित है, तो 50% यानी कि 50% आंसर हो जाएगा ए नंबर ठीक है। तो दोस्तों आज का यहीं तक क्वेश्चन समाप्त हो गया ठीक है। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज हम आपको मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आप सभी छात्रों को हैप्पी दिवाली ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हैप्पी दिवाली।